कितना मतलब संघर्षपूर्ण है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना? आपसे नहीं है, हम लोग एक टापा चुनाव जीतने जा रहे हैं। 300 अभी बीजेपी की चल रही है, एक केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के लेकर चल रही है। विकास अपना विकास किए हैं, अपना विकास हाँ, और किसी का विकास नहीं किया। अपना विकास किए हैं, जमीन खरीदे हैं, उधर गणवार रोड पे जमीन खरीदे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमिंग भारत। इस टाइम हम लोग बलिया के फेफरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, और इस क्षेत्र में देखा जाए तो संग्राम सिंह यादव जी एक जुलूस के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांवों में गली गली डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके चिंतक हैं, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के। चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग किस तरीके से डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहे हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा? अजय कुमार चौरसिया सर। क्या लगता है, क्या माहौल है इस टाइम? माहौल कुछ नहीं है, माहौल हम लोग चुनाव एक तरफा जीतने जा रहे हैं जी, लगभग 50,000 वोटों से। और आगामी चुनाव कुछ नहीं है, बस 300 लगभग हम लोग जो है पूरे प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जी, सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोग संपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच? हम लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, जो सरकार की गतिविधियाँ हैं भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग जनता से रूबरू करा रहे हैं। कितना मतलब संघर्षपूर्ण है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना? आपसे नहीं है, हम लोग एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। 360 विधानसभा एक तरफा चुनाव हो रहा है जी जी। मतलब क्या लगता है कि इस बार साइकिल चलेगी? चलेगी कि दौड़ रही है सर, दौड़ रही है एकदम, हम लोग दौड़ रहे हैं। कोई मतलब लड़ाई है ही नहीं। क्या नाम पड़ेगा? सगीर। ये सरकार जो अभी बीजेपी की चल रही है, एक केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के लेकर चल रही है, इसके विरोध में हम लोग जो है अपना महंगाई गैस सिलेंडर हर चीज़ की जो है यहाँ जो है दिक्कत है हम लोगों का, इस वजह से हम लोगों ने समाजवादी को देंगे और समाजवादी को सीट 300 सीट निकलेगी जी। क्या नाम पड़ेगा? पीएन चौधरी। क्या लगता है, क्या माहौल है? खासतौर देखा जाए तो संग्राम जी का काफ़ी लोग समर्थक में आए हुए हैं, क्या लगता है इस बार? मैं तो एकदम मंत्री जी के विरुद्ध माहौल है जी, मंत्री जी के काले कारनामों से जनता त्रस्त हो गई है। अगर देखा जाए तो कैसे काले कारनामे? उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, किसी का कोई काम नहीं किए हैं, जमीन विकास किया है, कोई विकास अपना विकास किए हैं, अपना विकास हाँ, और किसी का विकास नहीं किया। अपना विकास में कैसे विकास किए हैं? देखिए, यही जमीन खरीदे हैं, उधर गणवार रोड पे जमीन खरीदे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जनता का उन्होंने अपना विकास किए हैं। फेफना से संग्राम सिंह यादव एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं, मंत्री जी को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनका कहा नाम है कि वर्तमान के जो विधायक और राज्य मंत्री थे वो जनता का छोड़कर अपना विकास किए हैं, खासतौर पर लोगों का कहनाम ये है। ये भी लोगों का कहनाम है कि इस बार कमल नहीं खिलेगा, कहीं ना कहीं साइकिल दौड़ेगी, लोगों का ये भी कहनाम है। और आने वाले दिनों में देखने को आपको मिलेगा कि इस बार यहाँ से कौन विजयी होगा। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।